पापा के साथ कभी प्रैंक नहीं करना चाहिए। क्या आपको भी टेनेंट समझ नहीं आई? क्या आप भी टेनेंट को देख के सर खुजलाते रह गए? क्या आप भी चाहते? अबे बस, चेतावनी वार्निंग, वो तो वीडियो के थंबनेल में ही दे दिया, धन्यवाद। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा हम लोग बात किसी से बात करने जा रहे हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में जो इस वीडियो के टाइटल में है। टेनेंट एक ऐसा वर्ल्ड है जिसे आगे से पढ़ा जाए या पीछे से, उसके शब्द बदलते नहीं है। हाँ तो इसमें नया क्या है मोटा भाई, ये तो सबने बताया है, थोड़ी तो शर्म करो मोटा भाई। हाँ पर इस मूवी का टाइटल भी इसके प्लॉट की तरह ही है। पैलिंड्रोम। इससे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सेटर स्क्वायर क्या चीज है। तो सेटर स्क्वायर बहुत ही फेमस पैलिंड्रोमिक स्क्वायर है जो कि प्रेजेंट है ओपेट फ्रांस में। इसके वर्ड्स हैं रोटस, ओपेरा, टेनेट, एरेपो और सेटर। अब अच्छी बात तो ये है कि इस स्क्वायर को राइट से लेफ्ट या फिर ऊपर से नीचे पढ़ा जाए तो ये सेम वर्ड बनाती हैं। जैसे टेनेट है फिल्म का टाइटल, सेटर है विलन, ओपेरा है ओपनिंग सीक्वेंस, अरिपो है स्पेन की पेंटिंग और रोटस है सेंटर की कंपनी। और फिल्म जहाँ से शुरू होती है वहीं पे वापस आके खत्म भी होती है, यानी कि स्टार्क्स 12। तो हुई ना ये पूरी फिल्म पैलिंड्रोम। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इन्वर्जन क्या चीज है। हालांकि इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात की हुई है, पर इसके बारे में एक बार और कर लेते हैं। क्या चला जाता है? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये मानना है कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी टाइम के साथ घटती रहती है, जिसकी वजह से हमारे सराउंडिंग या फिर यूं कहें कि हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी समय के साथ बढ़ने लगती है। तो ठीक इसी तरह हम एंट्रोपी को रिवर्स करके टाइम में पीछे जा सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ऐसी टाइम ट्रेवलिंग का आइडिया आया क्यों? हमारे नेचर में बेसिकली तीन टाइप्स की सिमेट्री होती है। पहला चार्ज सिमेट्री, दूसरा पैरिटी सिमेट्री, तीसरा टाइम रिवर्सल सिमेट्री। तो देखा जाए चार्ज सिमेट्री और पैरिटी सिमेट्री का इन्वर्जन पॉसिबल है रियल लाइफ। बहुत सारे फिजिसिस्ट का ऐसा मानना है कि जब चार्ज सिमेट्री और पैरिटी सिमेट्री का इन्वर्जन पॉसिबल है तो टाइम रिवर्सल सिमेट्री का क्यों? सवाल ये है कि उन्होंने इस तरह की टाइम ट्रेवलिंग क्यों की। इसका जवाब है कैजुअल लूप और इनसे बने हुए पैराडॉक्स को इग्नोर करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट टू पॉइंट टाइम ट्रेवलिंग करने से कैजुअल लूप और टेम्पोरल पैराडॉक्स क्रिएट हो सकते हैं। तो क्या इस रिवर्सल टाइम ट्रेवलिंग में कैजुअल लूप क्रिएट नहीं होगा? इसका जवाब है नहीं। बेसिकली इस तरह की टाइम ट्रेवलिंग में भी कैजुअल लूप और टेम्पोरल पैराडॉक्स क्रिएट होंगे, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसकी वजह से अगर वो अर्थ की एंट्रोपी को रिवर्स करेंगे तो उनके पूर्वज खत्म, जिसकी वजह से उनके खुद का भी एग्जिस्टेंस खत्म, पूरी स्टोरी खत्म, हैप्पी एंडिंग। पर फ्यूचर के लोगों का ये मानना है कि अर्थ की एंट्रोपी बदलने की वजह से एक नई टाइमलाइन क्रिएट होगी जिसमें वो तो एग्जिस्ट करेंगे पर उनके पूर्वज नहीं। भविष्य बहुत ही उज्जवल है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर और पास्ट का क्या चक्कर था। जैसे कि हमें और प्रोटैगोनिस्ट को प्रिया ने बताया कि फ्यूचर में अर्थ की हालत इतनी खराब हो गई कि अब वो जीने के लिए भी ठीक नहीं है, तो उसको चेंज करने का एक ही रास्ता है, अपना एग्जिस्टेंस मिटा दो। जो फ्यूचर के लोगों के हिसाब से हमारे अर्थ की एंट्रोपी को पूरी तरह चेंज कर दो, सीधी सीधी भाषा में पुरानी अर्थ को नया बना दो या फिर नए अर्थ को पुराना बना दो। और अर्थ की एंट्रोपी को पूरी तरह से उल्टाने का काम करेगा ये अल्गोरिथम, जो किसी साइंटिस्ट ने 9 टुकड़ों में बांटकर समय में पीछे ट्रेवल करा दिया था। और इसी तरह फ्यूचर के लोगों ने सेटर के साथ पहली बार कॉन्टैक्ट बनाया था। अब बात करते हैं टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट के बारे में। ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक आदमी समय में आगे या पीछे दोनों तरफ ट्रेवल कर सकता है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब आप कहेंगे कि यार इसका फायदा क्या है? तो इसको जानने से पहले आपको रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए दो पर्सन ए और बी टाइम लाइन में बिल्कुल अलग अलग जा रहे हैं, एक 5 मिनट आगे जा रहा है और दूसरा 5 मिनट पीछे आ रहा है, जिससे ए को लगेगा कि वो बी से 10 मिनट पीछे है और बी को लगेगा कि वो उससे 10 मिनट आगे है, जिसकी वजह से ए और बी को रिलेटिवली 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये है मेरा टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस। ये थोड़ा गरीबों वाला लग रहा है क्योंकि बजट कम है, तो इससे मैं 5 मिनट आगे और 5 मिनट पीछे भी जाऊंगा। तो टाइम ट्रेवलिंग मशीन चालू हो जा, चालू हो जा, चालू हो जा, हो गई चालू। अब मैं 5 मिनट भविष्य में आगे आ चुका हूं,
तो मैं पापा को बुलाता हूँ। आज मैं पापा के साथ प्रैंक करने वाला हूँ। पापा, पापा क्या हुआ, क्यों बुला रहा था मुझे? पापा मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलना। कैसे बताऊं? अरे बोल दे। पापा मेरी वाली प्रेग्नेंट है। क्या क्या पापा मेरी वाली मेरे खानदान का नाम मिट्टी मिला के रख दिया तुझे तो। पापा 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 इट्स अ प्रैंक। पापा पापा इट्स अ प्रैंक। वो देखो कैमरा। प्रैंक वो देखो कैमरा। बाप के साथ प्रैंक करेगा तुझे तो मैं। क्या हुआ बेटा, तूने अभी मुझे बुलाया था? मैंने बुलाया था? हाँ तूने। कुछ नहीं पापा, कुछ काम था, मैं फिलहाल भूल गया हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ना। मैं फालतू का बुला लिया। पापा के साथ कभी प्रैंक नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ फ्यूचरिस्टिक वर्जन अपने पास्ट के वर्जन को बचाने की कोशिश कर रहा है। सेम यही चीज टेनेट के एंडिंग में भी हुई थी, जिसमें नील को रिलेटिवली 20 मिनट का टाइम मिल गया, जिसमें वो गेट का लॉक खोल के प्रोटैगनिस्ट को बचा के उससे बात करके दोबारा मर गया। सेम टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट सेटर भी करता था, जिससे वो आने वाले फ्यूचर में क्या क्या होगा इसके बारे में जान पाता था। तो ये थी वीडियो टेनेट के एंडिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में। हालांकि इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो बच जाते हैं। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। मैं भी जा रहा हूँ फिर से वापस आने के लिए। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा।